थाना छत्ता क्षेत्र के जीन खाने में नकली मोबी ऑयल बनाने वाले अभियुक्त के खिलाफ आगरा पुलिस ने गैंगस्टर की धारा 14/1 के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की है, जिसमें आगरा पुलिस ने तेल माफिया की 16,43,00,000 की संपत्ति, 2 बैंक खाते, 2 प्लॉट और 1 बुलेट मोटरसाइकिल को सीज किया है। आपको बताते चलें कि आगरा पुलिस अनैतिक रूप से कमाए हुए पैसों से जर्जित की गई संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कार्रवाई के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार थाना छत्ता पुलिस ने SPCT के नेतृत्व में तेल माफिया शन्नो पुत्र हाजी जमील के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई को अंजाम देते हुए, आपको बताते चलें कि आगरा पुलिस अनैतिक रूप से कमाए हुए पैसों से अर्जित की गई संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार थाना छत्ता पुलिस ने SPCT के नेतृत्व में तेल माफिया शन्नो पुत्र हाजी जमील के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई को अंजाम देते हुए अनैतिक रूप से कमाए हुए पैसों से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया है। थाना पुलिस ढोल नगाड़ों की थाप पर मुनादी करते हुए अभियुक्त के मकान पर पहुंची और नोटिस चस्पा कर कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया। अपराधी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। ये नकली वायल पे रैपर लगाकर, कंपनियों के रैपर लगाकर करता था। इसका पुराना आपराधिक इतिहास है। 2009 में पहला मुकदमा इसके लिए हुआ। अब तक 7 मुकदमे हैं इसके, कॉपीराइट एक्ट के 467 के, उसके अलावा गैंगस्टर अधिनियम के मुकदमे पंजीकृत हैं। इसी के क्रम में इसके द्वारा जो अपराध से अर्जन की गई संपत्ति है उसको आज कुर्क किया जा रहा है। जो आज संपत्ति कुर्क किया जा रहा है उसमें इसके 2 प्लॉट, 6 मकान जिसमें दुकान भी सम्मिलित हैं, 2 बैंक खाते और 1 बुलेट मोटरसाइकिल कुर्क किया जा रहा है। SPCT विकास कुमार ने बताया कि आगरा पुलिस अवैध धंधे करने वाले लोगों की सूची तैयार कर रही है। जिस जिस व्यक्ति का नाम रडार पर आएगा उस पर आगरा पुलिस कार्रवाई करेगी। फिलहाल आगरा पुलिस ने तेल माफिया शन्नो की 16,43,00,000 की संपत्ति पर कुर्कीकरण की कार्रवाई की है।